इस वक्त की एक बड़ी खबर आपको बताते हैं। ये बड़ी खबर विदिशा से मिल रही है, जहां भारतीय किसान संघ का प्रदेश व्यापी धरना प्रदर्शन। विदिशा से खबर, और अतिवृष्टि से खराब फसलों को लेकर भारतीय किसान संघ धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। किसानों का कर्ज माफ ना करने पर उग्र आंदोलन की भी चेतावनी दी गई है। तो विदिशा से इस वक्त की खबर आपको बता रहे हैं, जहां भारतीय किसान संघ ने किसानों के समर्थन में ये धरना प्रदर्शन किया है। अतिवृष्टि से जो खराब फसलें हैं उसको लेकर उसके विरोध में ये धरना प्रदर्शन किया गया। संवाददाता सुरेंद्र सिंह राजपूत हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुरेंद्र जी, क्या ज्यादा जानकारी? पूरे प्रदेश में भारतीय किसान संघ का एक साथ आज प्रत्येक जिला मुख्यालय पर धरना प्रदर्शन था, जिसमें विदिशा में भी धरना दिया किसानों ने और अपनी मांगों को रखा है। अब ऐसी स्थिति में कमलनाथ सरकार की राह आसान नहीं दिखाई दे रही है, जिस तरह से किसानों ने ये आंदोलन शुरू किया है और अपनी मांगों को रखा है, जिसमें उन्होंने मांग रखी है कि जो सरकार ने वचन पत्र में वचन दिया था कि 2 लाख तक का प्रत्येक किसान का कर्ज माफ कांग्रेस सरकार करेगी, जो कि अब पूरा होता दिखाई नहीं देने के कारण किसान उग्र हो गए हैं और उन्होंने ये आंदोलन किया है। पूरे मध्य प्रदेश में एक साथ ये प्रत्येक जिला मुख्यालय पे आज धरना था, उसी उपलक्ष्य में ये मांग रखी गई है। और किसानों की ये मांग है कि तुरंत ये अतिवृष्टि से जो फसलें खराब हुई हैं उनकी शीघ्र सर्वे कराकर उसका मुआवजा दिया जाए और 2 लाख तक का किसानों का कर्ज माफ किया जाए। चलिए, शुक्रिया जानकारी देने के लिए सुरेंद्र जी।